और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ज्वाइन एयर विंग एनसीसी। एयर विंग एनसीसी कैसे ज्वाइन करें, यानी कि जो इंडियन एयर फोर्स के डिपार्टमेंट में आने वाली एनसीसी है एयर विंग एनसीसी, उसको कैसे ज्वाइन करें। और अगर आप भी एयर विंग एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है एयर विंग एनसीसी भर्ती होने के लिए। और आप सभी को इस वीडियो में एयर विंग एनसीसी भर्ती से रिलेटेड हर एक सवाल का जवाब मिलने वाला है। आपके मन में जो भी कुछ सवाल चल रहा होगा एयर विंग एनसीसी भर्ती के बारे में, हर एक सवाल का जवाब आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो में ऐसी जानकारी के लिए शुरू से अंत तक बने रहिए। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो एयर विंग एनसीसी में आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती है वो टोटल इंडियन एयर फोर्स के बारे में आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती है, और जो भी कुछ आपको सिखाया जाता है टोटल इंडियन एयर फोर्स के बारे में आपको सिखाया जाता है, और जो उस्ताद आपके जो ट्रेनिंग करवाते हैं वो भी इंडियन एयर फोर्स के ही होते हैं। और एयर विंग एनसीसी की जो भर्ती होती है वो लगभग एयर फोर्स जैसी भर्ती होती है एयर विंग एनसीसी की। और आपको टोटल उसमें एयर विंग एनसीसी में टोटल हर चीज़ एयर फोर्स के बारे में आपको सिखाया जाता है। और अब बात कर लेते हैं कि एयर विंग एनसीसी की भर्ती किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एनसीसी की भर्ती स्कूल और कॉलेजों में होती है, चाहे वो आर्मी विंग एनसीसी हो, नेवल विंग एनसीसी हो या फिर एयर विंग एनसीसी हो। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि एयर विंग एनसीसी की भर्ती भी स्कूल और कॉलेजों में ही होती है। और अब बात कर लेते हैं कि एनसीसी की भर्ती कौन से क्लास से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनसीसी की भर्ती जूनियर डिवीज़न में 9th क्लास में होती है। 9th फिर 9th और 10th में 2 साल आपको ट्रेनिंग करनी होती है, तब जाके आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। और अगर आपने 9th और 10th में एनसीसी नहीं की है तो आप डायरेक्ट 11th क्लास में एडमिशन लेना है आपको सीनियर डिवीज़न में। उसमें फिर आपको 11th और 12th में 2 साल ट्रेनिंग करना होगा, तब जाके आपको बी सर्टिफिकेट मिलेगा। और जब आप बी सर्टिफिकेट क्लियर कर लेते हैं तब जाके आपको कॉलेज में 1 साल और ट्रेनिंग करना होता है, तब आपको सी सर्टिफिकेट मिलता है। और अगर आपने स्कूल में एनसीसी नहीं की है तो डायरेक्ट आप कॉलेज में भी एडमिशन करवा सकते हैं, फर्स्ट ईयर में आपको एनसीसी मिल जाएगा। और आप बात कर लेते हैं कि एयर विंग एनसीसी भर्ती की एज लिमिट क्या है। तो मैं आपको बता दूँ एज लिमिट सबकी सेम है, आर्मी विंग की भी और एयर विंग की भी और नेवल विंग की भी सेम है, एज लिमिट तीनों की सेम है। अगर आप जूनियर डिवीज़न में भर्ती लेते हैं तो आपकी उम्र होनी चाहिए 13 से 18 वर्ष के बीच में, और आप सीनियर डिवीज़न में भर्ती लेते हैं तो आपकी उम्र होनी चाहिए 16 से 26 वर्ष के बीच में। और बहुत बच्चों का सवाल ये भी होता है कि सर मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, क्या मैं एयर विंग एनसीसी ज्वाइन कर सकता हूँ। सर मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, क्या मैं एयर विंग एनसीसी ज्वाइन कर सकता हूँ। तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, PCM के स्टूडेंट हो या फिर PCB के स्टूडेंट हो, आप किसी भी स्ट्रीम से एयर विंग एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसमें। और अब हम बात कर लेते हैं कि एयर विंग एनसीसी भर्ती होने के लिए आपके 10th या 12th क्लास में परसेंटेज कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत से स्कूल और कॉलेजों में ऐसे स्टूडेंट को एयर विंग एनसीसी में भर्ती करते हैं जिनके परसेंटेज 60 से अधिक होते हैं, लेकिन वो आपके परसेंटेज को ना देखते हुए ज़्यादा आपके शारीरिक फिटनेस और दौड़ने के आधार पे आपको एयर विंग एनसीसी में भी ज़्यादा भर्ती करते हैं। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गया होगा कि परसेंटेज भी इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती है, आपकी शारीरिक फिटनेस और रनिंग अच्छी होनी चाहिए तो आपको एनसीसी में भर्ती होने का मौका मिल सकता है। और अब बात कर लेते हैं कि एयर विंग एनसीसी में भर्ती होने के लिए आपकी हाइट कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर नहीं है या फिर उससे कम है, या फिर आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर है, 162 सेंटीमीटर, 164 सेंटीमीटर, 163 सेंटीमीटर, आपकी हाइट कितनी भी कम हो फिर भी आपको एयर विंग एनसीसी भर्ती के लिए जाना है, क्योंकि एयर विंग एनसीसी में हाइट भी इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती है ना। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि वैसे कम से कम आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आपकी हाइट कम 165 सेंटीमीटर नहीं है
और उससे भी ज़्यादा कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको एयरविंग एजेंसी में भर्ती के लिए जाना है क्योंकि हाइट भी इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती है। और अब बात कर लेते हैं कि एयरविंग एजेंसी भर्ती के समय रनिंग कितनी करवाई जाती है, तो उसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो एयरविंग एजेंसी की भर्ती के समय जो आपके जो उस्ताद एयरफोर्स के जो उस्ताद आपकी भर्ती करने के लिए आते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी रनिंग कितनी करवाएं। वो आपकी रनिंग 800 मीटर भी करवा सकते हैं, 1600 भी करवा सकते हैं, 4 किलोमीटर भी करवा सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो रनिंग आपकी कितनी भी करवा सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है एयरविंग एजेंसी में कि आपकी रनिंग कितनी होगी। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि रनिंग के बारे में। तो और अगर आप भी एयरविंग एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको उस स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेना है जिस स्कूल या कॉलेज में एयरविंग एनसीसी है, तो आपको एयरविंग एनसीसी में भर्ती मिल जाएगी। एयरविंग एनसीसी भर्ती के समय आपकी सबसे पहले आपकी रनिंग करवाई जाती है, फिर आपका एक छोटा सा मेडिकल होता है, फिर आपका रिटन टेस्ट होता है, और फिर आपका एक इंटरव्यू होता है छोटा सा, और उस इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद आप एयरविंग एनसीसी कैडेट बन जाते हैं। और भी कुछ आपको आर्मी नेवी एयरफोर्स एसएससी जीडी या फिर अदर पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा और उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।